दोस्तों नमस्कार। जोधपुर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा गुरुवार को बाड़मेर जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर टूटी कुर्सियां, अव्यवस्थित खड़े वाहनों, गड्ढों पर पीएमओ और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मरीज और उसके परिजन यहां पर इंतजार करते हैं और यहीं पर कबाड़ बना रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो ये कुर्सियां लगी हुई है वो स्टेडियम की कुर्सियां लगा रखी है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल है। कलेक्टर, एडीएम, एसडीओ बैठा कर रखते हैं, पता नहीं आप लोग क्या करते हो। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, मेल फीमेल वार्ड का निरीक्षण किया, वहीं डायलिसिस के मरीजों से बातचीत की। डॉक्टरों को निर्देश दिए कि डायलिसिस मरीजों का इलाज समय पर करें, रेफर की स्थिति होती है तो उन्हें रेफर करें। पीएमओ से रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग का पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाई। इस पर मेहरा ने कहा कि यह बड़ी लापरवाही है। आयुक्त बोले, निरीक्षण नेतागिरी और अखबारबाजी के नहीं। आयुक्त ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों और विधायकों के निरीक्षण के बाद के हालात वैसे ही हैं कि सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने निरीक्षण किया वो भी इसमें जिम्मेदार है, निरीक्षण नेतागिरी के लिए नहीं होते हैं। अखबार में आ गया बस हो गया, कर्मियों को सुधार करवाने की पालना करवानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने एडीएम को कहा कि आप एसडीएम को नियुक्त कर दो। पीएमओ से कहा कि हॉस्पिटल का निरीक्षण करके देख ले और कागज पर चीज आ जाए कि यह कमियां जिससे हो दूर कर लो। आयुक्त ने कहा कि मैंने मेरी ओर से निर्देश दे दिए हैं कि सुरक्षा के लिए कर्मचारी बढ़ा दो। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। 3 दिन में इसकी पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो बनाकर मुझे भेजो। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने हर वार्ड में जाके जो खुद से चेकिंग की और जो कमियां नजर आई उनको दिशा निर्देश दिए, तुरंत सही करवाने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं। और साथ ही बाड़मेर जिला अस्पताल के जो पीएमओ हैं उनको जो सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो फटकार है वो लगाई है। जुड़े रहे ऐसे ही तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मैंने ये महसूस किया कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो सफाई व्यवस्था में सुधार की है। जो पुराना जो परिसर है उसमें जगह जगह सफाई व्यवस्था सही नहीं है। ये साथ में मौजूद पीएमओ साहब और एडीएम साहब को मैंने निर्देशन कर दिया है और इसकी जो है ये 3 दिवस की बेहतरी पालना कर देंगे। अभी हम लोगों ने जहाँ जब जो सभी जो सीएम थे उनकी फ़ोटो खींचे, उसके बाद वो साफ हो गए, उसके फ़ोटो चाहिए मेरे को, क्योंकि कई लोग निर्देश दे के चले जाते हैं वापस आने पालने पूछते नहीं। मेरी आदत, मैं सच्चाई मेंटेन करता हूँ, जो निर्देश दिए उसकी पालना होनी चाहिए। कैसे बिफोर इंस्पेक्शन या ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले दिन ये स्थिति है और उसके बाद में ये स्थिति, ये आप ध्यान देते सुनना है ना, अगर वह नहीं होगा इसमें कार्य खासतौर से भाई वो उसका क्या होता है कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से और हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से स्पष्ट निर्देश है कि वार्डों में पर्दे होना चाहिए। यहाँ क्या लोगों को नियमों की जानकारी नहीं है, डॉक्टरों को भी शायद नहीं होगी ऐसा लगता है। बिना पर्दे के कोई वार्ड होता नहीं। वार्ड का मतलब ही हर जो विंडो होती है उसके पास में कर्टेन होता है, ये स्पष्ट नियम है। तो यहाँ जो इनके जो जंगल और ये मेल फीमेल वार्ड जो थे उसके अंदर पर्दे नहीं लगे हैं, तो उनको पर्दे कितने दिन में लगाओगे? और भाई दुख की बात है कि मैं तो इसका कैसे आप कर पाए, मैं समय नहीं मिल पाया, दूसरे वहाँ फिल्म में देख लिया, शो में देख लिया, और क्या देख लिया। लेकिन अब तक जिन जिन अधिकारियों ने निरीक्षण किया उनके ऊपर मुझे दया आती है कि उन्होंने फिर क्या क्या निर्देश दिए।